प्राचीन पुराणों में प्रातः काल के समय को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। सभी प्रकार के व्रत अनुष्ठान पूजा नित्यादि के लिए सुबह का समय ही सर्वोत्तम माना गया है। सुबह के समय हम जो भी कार्य करते हैं उसका प्रभाव दिन भर हमारे ऊपर रहता है। यदि सुबह सुबह सकारात्मक कार्य किए जाएं तो इसका लाभ हमें प्राप्त होता है, किंतु यदि सुबह के समय हम अशुभ और निंदनीय कार्य करते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य ही पड़ेगा। यदि हम नित्य ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे हमारे जीवन का पतन हो जाएगा। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी चीजें बताया गया है जिन्हें केवल देख लेने से मनुष्य को पुण्य और लाभ की प्राप्ति हो जाता है, और कुछ ऐसे चीजें जिन्हें सुबह उठने के बाद हमें भूल से भी नहीं देखना चाहिए। जो भी व्यक्ति रोज सुबह इन चीजों का दर्शन कर लेता है उसे दुख और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं हमें सुबह किन चीजों का दर्शन करना चाहिए और किन चीजों का नहीं। सबसे पहले जान लेते हैं सुबह कौन सी चीजें देखना शुभ और अमंगलकारी होता है। सबसे पहली चीज है दर्पण। सुबह उठते ही दर्पण देखना अशुभ माना गया है। जागने के तुरंत बाद दर्पण में अथवा जल में अपना प्रतिबिंब देखने पर व्यक्ति पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नित्य ऐसा करने से जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है। दूसरी बात, चरित्रहीन व्यक्ति के दर्शन। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सुबह उठने के बाद चरित्रहीन और व्यभिचारी व्यक्ति के दर्शन कभी नहीं करना चाहिए। चरित्रहीन व्यक्ति के दर्शन करने से मन में काम भावना जागृत हो जाता है, जिस कारण व्यक्ति के मन में दिन भर बुरे विचार आते हैं। उसकी कामाग्नि की ज्वाला धधकती रहती है और इसी कारण से उसका मन पूजा पाठ में नहीं लगता और ना ही किसी कार्य में। वह दिन भर संभोग के विषय में ही विचार करने लगता है। इसलिए सुबह उठने के बाद किसी ऐसे व्यक्ति का मुख कभी नहीं देखना चाहिए जो चरित्रहीन हो। तीसरी बात, क्रोध। गरुड़ पुराण के अनुसार सुबह उठने के बाद मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए अथवा किसी क्रोधी व्यक्ति के दर्शन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ और अमंगलकारी होता है। क्रोधी व्यक्ति के दर्शन करने से मन में भय की स्थिति उत्पन्न होता है। रोज सुबह किसी क्रोधी व्यक्ति का मुख देख लेने से इसका बहुत ही गहरा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और व्यक्ति निराश एवं उदास रहने लगता है। साथ ही उसका स्वभाव भी क्रोधी बनने लगता है। इसलिए सुबह उठने के बाद क्रोधी व्यक्ति का मुख ना देखें, बल्कि अपने कमरे में किसी हंसते हुए व्यक्ति का तस्वीर लगाएं और अथवा श्री कृष्ण का चरित्र अपने बेड के सामने अवश्य रखें। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। चौथी है नुकीली चीजें। सुबह उठने के बाद नुकीली चीजों का दर्शन कभी नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार नुकीली और कांटेदार चीजें नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। सुबह इनके दर्शन करने मात्र से इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और व्यक्ति के मन में हिंसक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। आइए अब जान लेते हैं सुबह कौन सी चीजें देखना शुभ होता है। गौमूत्रम गौमयम दुभ्यम गौदुलभ्यम पुष्टिप्तम पकस्यम वितम क्षेत्रम पृष्ठा पुण्यम लभेत्वम। सबसे पहली चीज है गौमूत्र। गौमूत्र को बहुत ही पवित्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गौमूत्र भी माँ गंगा का वास होता है। गौमूत्र का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसका नित्य पान करने से कई प्रकार के रोगों का नाश होता है। गौमूत्र को धारण करने से मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार सुबह सुबह गौमूत्र केवल देख लेने मात्र से मनुष्य को पुण्य और लाभ की प्राप्ति हो जाता है। दूसरी चीज है गोबर। गाय हिंदू धर्म में पूजनीय है। शास्त्रों में गौ माता को ईश्वर के समान माना गया है। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास है। गाय के गोबर का भी उतना ही महत्व है। किसी भी स्थान को पवित्र करने के लिए गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता है। यदि मनुष्य पवित्र भावना से प्रातः काल में गाय के गोबर को देख लेता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होता है। तीसरी चीज है दूध। गाय के दूध की फायदे हैं। गाय का दूध औषध का काम करता है। कलयुग में गाय का दूध ही अमृत के समान बताया गया है। जो मनुष्य नित्य सुबह के समय गाय का दूध देखता है उसे निश्चित ही शुभ फलों की प्राप्ति होता है। चौथी चीज है पकी हुई खेती। फसलों से भरे हुए खेत देखना हर किसी को पसंद है। हरे भरे खेतों को देखकर मन को शांति मिलता है।
फसलों से भरे हुए खेत केवल सुंदरता ही नहीं पुण्य की भी प्रतीक है। गरुड़ पुराण के अनुसार सुबह के समय पके हुए फसलों से भरे खेत देखने से मनुष्य को पुण्य और लाभ मिलता है। पांचवा है तुलसी का पौधा। सुबह सुबह तुलसी के पौधे के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। सुबह तुलसी को जल देने से व्यक्ति के दरिद्रता का नाश होता है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से नकारात्मकता समाप्त हो जाता है और घर में कलेश नहीं आता है। तो इस प्रकार से गरुड़ पुराण में सुबह के समय इन पांच चीजों का दर्शन करना शुभ फलदायी माना गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।